नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद कैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको फाइबर लेजर मार्किंग मशीन से स्टेनलेस स्टील पे मार्किंग करके दिखाएंगे और हम इसमें एक इमेज को, जो कि हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के लोह पुरुष है, उनकी इमेज को हम स्टेनलेस स्टील पे, मतलब अपने स्टील मैन की इमेज हम अब स्टेनलेस स्टील पे आपको उकेर के दिखाएंगे कि वो कैसी आती है। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो और क्या प्रोसेस यूज़ होता है स्टेनलेस स्टील पे एक इमेज को उतारने के लिए। तो अब हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होगा। हम इजी कैड टू लाइट जो अपना सॉफ्टवेयर है, गैलो हेड का यानी अपनी मार्किंग मशीन का सॉफ्टवेयर है, उसमें हम इमेज को मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमें इमेज लेनी है, हमने इमेज डाउनलोड कर ली है और ये हमारी इमेज आ गई सॉफ्टवेयर के अंदर। इमेज को हम सेंटर कर लेते हैं और हमारी इमेज थोड़ी सी बाहर निकल रही है, तो हम इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको फिर से सेंटर कर देते हैं। तो अब हमारी इमेज सेंटर हो गई है और अब हम ये स्टेनलेस स्टील की शीट लेंगे। ये हमने 150 बाय 150 यानी 6 इंच बाय 6 इंच का टुकड़ा लिया हुआ है। तो अब हम ये अपनी मशीन पर लगाएंगे। सबसे पहले हम फ्रेम करके देखते हैं। तो ये हमारी पिक्चर का फ्रेम आएगा जो कि स्टेनलेस स्टील पर आएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा रेड पॉइंटर मूव हो रहा है जो कि मेरे फ्रेम को शो कर रहा है। तो अब हम मार्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी मार्किंग चालू हो गई है। तो हम थोड़ा सा मशीन के बारे में दिखा देते हैं। हम आपको पहले मशीन चारों तरफ से दिखा रहे हैं। तो इस मशीन के कुछ मुख्य कंपोनेंट इस तरह से है। एक मशीन में एक लेज़र पावर सोर्स होता है जो कि फाइबर लेज़र पावर सोर्स होता है। इसमें से लेज़र फाइबर के थ्रू मेरे मशीन के हेड में आती है। ये मशीन का हेड है, इसको गैल्वो हेड बोलते हैं। गैल्वो हेड इसको इस तरह से बोलते हैं, जैसे मेरा गैल्वनोमीटर होता है उसी तरह की मैकेनिज्म इसमें होता है जो कि मिरर को रोटेट करता है। मतलब मिरर को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि मिरर को नचाता है। तो जैसे जैसे मिरर नाचता है वैसे वैसे मेरी रे इसके मेरी ऑब्जेक्ट के आगे पीछे मूव करती है। तो इसमें दो मिरर होते हैं, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। तो इस हेड को हम गैल्वो हेड बोलते हैं। तो इस गैल्वो हेड से जहाँ लेज़र निकलती है वो मेरी जो ऑब्जेक्ट जिस पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ वहाँ पे उस पॉइंट पे वो लेज़र फोकस्ड होनी चाहिए। तो आप फोकस की वजह से आप देख रहे हैं कि जहाँ पे वो लेज़र पड़ रही है वहाँ से मेरा मटेरियल एवेपोरेट हो रहा है। मतलब मेरा जो स्टेनलेस स्टील है उस पॉइंट से इवेपोरेट हो रहा है, इसी वजह से वहाँ पर मार्किंग हो रही है। तो आप जो ब्राइट लाइट देख रहे हैं जो मूव कर रही है वो बेसिकली मेरा मेटल जहाँ पर लेज़र पड़ रही है उस पॉइंट से इवेपोरेट हो रहा है और मेरी मार्किंग इस तरह से हो रही है। तो अब हम थोड़ी सी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात कर लेते हैं। जो सरदार पटेल थे वो हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भारत के उप प्रधानमंत्री थे, साथ के साथ वो भारत के गृह मंत्री भी थे। तो दोनों मंत्रालय वो संभालते थे और भारत को एकजुट बनाने में यानी भारत को एक बनाने में, अखंड भारत बनाने में उनकी एक अहम भूमिका थी। इसी वजह से उनको लोह पुरुष भी बुलाते हैं और इसी वजह से उनकी जो स्टैचू गुजरात में बनी है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, इसी वजह से इसी कारण से वो लगाई गई है। तो दोस्तों, मार्किंग का दूसरा पार्ट भी आपको करके दिखा रहे हैं। ये हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोशन में दिखा रहे हैं, हम 4 टाइम स्पीड पे आपको मार्क करके दिखा रहे हैं। तो दूसरे पार्ट से क्या होता है कि मेरी मार्किंग थोड़ी सी और उभर के आती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मार्किंग थोड़ी सी और उभर के आ रही है। तो आप 2, 3, 4 जितने मर्जी पास अपनी मार्किंग मशीन से चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज आई है जो स्टील पे आई है और जो हमने इमेज डाली थी वो लगभग सिमिलर है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से उभर के इमेज आई है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने की कोशिश करी कि जो फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन है
वो कितनी वर्सेटाइल होती है, इस पे आप ना सिर्फ अपने लोगों की मार्किंग कर सकते हैं बल्कि इस तरह की भी मार्किंग कर सकते हैं। मेटल यानी स्टील, ब्रास, अल्मूनियम, इस तरह के मेटल के साथ साथ आप नॉन मेटल पे भी मार्किंग अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि स्विचेस या रबड़ के प्रोडक्ट। इस तरह के प्रोडक्ट पे भी आप फाइबर लेजर मार्किंग मशीन से अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या भविष्य में कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।